हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जिसमें हम मानसिक रुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते और उनका इलाज करते हैं। मेरे पास में काफ़ी डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, और डिप्रेशन का एक मूल कारण है बहुत ज़्यादा सोचना, और छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना। हम एक्चुअली, हमारे में से कुछ लोग एडिक्टिव थिंकर हैं, और ये डिप्रेशन से कैसे बाहर आना, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इकर टोली, ये जो अमेरिका के लेखक थे, उन्होंने ये बुक लिखी है, पावर ऑफ नाउ, और ये बुक में से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, और डिप्रेशन से कैसे बाहर आना इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। हमारे समय काफ़ी लोग जो है ना, वो सोचते रहते और सोचते सोचते काफ़ी उदास हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। और ये जो पार्ट वन है, भाग एक, इसमें दो भाग है ये वीडियो के, तो पार्ट एक पहला वीडियो जो है उसके बारे में मैं मतलब कुछ बताऊँगा, पार्ट टू में बचा हुआ बताऊँगा। तो पार्ट एक में आपको बताऊँगा कि क्या क्या मतलब ऐसे कारण है कि जो कारण से हम डिप्रेशन में जाते हैं, या कौन से थिंकिंग से हम डिप्रेशन में जाते रहते हैं। 50,000 से 60,000 थॉट्स हमको रोज आते हैं दिमाग में, और वो अनकंट्रोल्ड थॉट्स हैं। हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बार 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 आते रहते हैं, और कुछ लोग तो उसको एडिक्टेड है, एडिक्टिव थिंकर उनको बोल सकते हैं हम। और फिर मतलब ये नज़र से हमने देखा तो हम हमारे माइंड के, हमारे मन के हम गुलाम हैं, स्लेव्स हैं। एक्चुअली माइंड हमारा गुलाम होना चाहिए, हम हमारे माइंड के गुलाम हैं, क्योंकि हमारे ये थॉट्स ये कंट्रोल में है नहीं। और ये सोचते मतलब हमारा माइंड जो है ना, ये ऑटोमेटिक थॉट मशीन है, ATM है, ऑटोमेटिक थॉट मशीन। वो ऑटोमेटिकली थॉट्स सोचते रहता है। और मैं जो बोल रहा हूँ ये आपको, यदि उसकी टेस्ट लेना है तो जरा ये वीडियो रोको और देखो, और आँखें बंद करके देखो कि आपको कितने विचार कुछ सेकंड्स में या एक मिनट में भी आप वीडियो रोक के देखा तो कितने विचार आते आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। इकर टोली जो है वो खुद डिप्रेशन से मतलब उनको तकलीफ थी, उनके उससे वो बीमार हो गए थे, उनको नींद नहीं आती थी, काफ़ी डिप्रेशन के विचार उनको आते थे, और उन्होंने मतलब सुसाइड के भी विचार आते थे, और उन्होंने अपने लाइफ के बारे में कुछ खोज किया, डिस्कवरी किया, और वो लाइफ के बारे में लाइफ को एक अलग नज़र से देखना होने चालू किया, और वो डिप्रेशन से बाहर आ गए। फिर लोगों के साथ में उन्होंने शेयर किया, बताया लोगों को, और फिर उन्होंने अपने जो तजुर्बे हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस है, वो बुक में शब्दबद्ध किए। उसका नाम है पावर ऑफ नाउ, और ये ईस्वी सन 2002 में ये बुक उन्होंने पब्लिश किया, जो बाद में बहुत पॉपुलर हो गया। 33 भाषाओं में अलग अलग वो बुक पब्लिश हुआ, और 30 लाख कॉपीज उसकी बाद में बेची गई। तो उन्होंने वो कैसा किया, उसके बारे में जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइडिया नंबर वन, नाउ द इंपॉर्टेंट टाइम। बहुत सारे लोग अपने अतीत में अटके हुए, भूतकाल में अटके हुए, भूतकाल के विचारों के वो गुलाम है, उनको काफ़ी एंग्जाइटीज़ है, वरीज़ है, उदासीनता है अतीत के बारे में। अतीत के बारे में वो सोचते रहते, अतीत के वो गुलाम बन चुके हैं। एक्चुअली अभी जो वक्त है, अभी जो नाउ है, अभी जो प्रेजेंट है, वही धीरे 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 पास में जा रहा है। तो जो पास्ट है उसके बारे में आप चिंता कर रहे हैं, वो चिंता कब कर रहे हैं, नाउ, अभी, और उसके बारे में हम सोचते रहते, उसमें लोग अटके हुए हैं। फ्यूचर के बारे में लोग सोचते हैं, उससे उनको वरीज और चिंताएं होती रहती हैं, एंग्जाइटी होती रहती है, मगर फ्यूचर के बारे में सोचते कब है, अभी, नाउ। तो लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मगर सोचते कब है, अभी, राइट नाउ। हम फ्यूचर के बारे में समझा करता प्लान हमारे इसमें कि हमको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, और वो प्रोजेक्ट पूरा करना है उसके बारे में हम चिंता करेंगे, मगर चिंता या वरीज या एंग्जाइटी न करते हुए हमने धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट चालू करना शुरू मतलब उसकी शुरुआत की,
तो धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा और अपनी वरी चिंता एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। मतलब शुरू में थोड़ा सा काम चालू करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कष्टप्रद काम रहा, बहुत ज़्यादा काम रहा कि नहीं बहुत बड़ा काम है ये, कैसा चालू करेंगे, शुरुआत नहीं हो रही है, तो उसको शुरुआत करना ज़रूरी है। भले आप 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए शुरुआत कर दो, एक बार आपने शुरुआत कर दिया तो आपकी टेंशन कम हो जाएंगी और आपका वो प्रोजेक्ट पूरा होता जाएगा। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, कहावत है, वो बोलती है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स हैज़ टू बी कंप्लीटेड बट यू हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। मतलब 1000 मील का सफ़र जो है वो पूरा करने के लिए आपको कठिनाइयाँ लगेंगी, आपके दिमाग में टेंशन आएगा, मगर उसकी शुरुआत आपको पहले कदम से करना है और वो पहला कदम डालने की शुरुआत करनी पड़ेगी, पहला कदम डालना पड़ेगा। उसकी शुरुआत करेंगे तो 1000 मील का प्रवास मतलब सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी आपको करना है वो अभी करना है और प्रेजेंट टू द प्रेजेंट रहने का है, अभी रहने का है, और जो करना है वो अभी करना है। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ख्याल जो है वो अभी के वक्त के ऊपर, नाव के ऊपर अपने को देने का है। तो ये उनकी, उन्होंने बताया कि ये पहली आइडिया है। अब आइडिया नंबर 2 वो है कि यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर ईगो और यू आर नॉट योर आइडेंटिटी। आप आपकी आइडेंटिटी नहीं है। मतलब आप जो है वो आप कैसे थे, आप बचपन में एकदम पूरे आप थे, मतलब आपकी पूरी आत्म अभिव्यक्ति थी, आप कैसा भी रहते थे कोई आपको चिंता नहीं थी, बचपन में जैसा लाइफ जीना था वैसे जी रहे थे लाइफ, और बाद में आपके ऊपर अलग 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 संस्कार होते गए। आप आज जो भी है वो आपके ऊपर जो सोशल लाइफ के संस्कार हो गए, माँ बाप ने संस्कार किए, आपके आपने एजुकेशन लिया उसके संस्कार आपके ऊपर हो गए, आपके बचपन के दोस्त है, आपके आपने जो भी कुछ पढ़ाई किया उसके बारे में, मतलब जो भी कुछ है वो आपने जमा करते गए जमा करते गए जमा करते गए। और आपको पूछा कि आप कौन है, तो आप बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, कोई बोलेगा मैं पिताजी हूँ, कोई बोलेंगे मैं माता हूँ, कोई बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ, कोई बोलेगा कि मैं ईसाई हूँ, मतलब कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा मैं नौकरी करता हूँ। तो वो आपका सब ईगो का पार्ट है, आइडेंटिटी का पार्ट है। आप जो है वो अलग है और आपकी आइडेंटिटी जो है वो अलग है। ईकर टोली ये बोलते हैं कि आपका जो माइंड है वो माइंड और आप आपकी आइडेंटिटी, ये दोनों अलग अलग है। और ये दो अलग है, जब आप ये समझ लेंगे कि ये दो अलग है, कि मैं मेरा माइंड नहीं हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ आइडेंटिटी हूँ, क्योंकि सभी आपको जो प्रॉब्लम है, जो भी आपको तकलीफें हैं, जो भी आपको डिप्रेशन है, वो आपकी आइडेंटिटी की वजह से, आपने जो भी कुछ जमा किया हुआ है वातावरण से, सरकमस्टेंसेस से, बाहर से, उसकी वजह से ये सब हुआ, ऐसा ईकर टोली ने उनके किताब में कहा है कि भाई आप जो है वो आपकी आइडेंटिटी, और आपको जो भी दुख है वो दुख आइडेंटिटी की वजह से। जब गौतम बुद्ध को पूछा गया कि भाई एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, एनलाइटनमेंट आत्म साक्षात्कार, तो उन्होंने बोला कि द एंड ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ ऑल सफरिंग, मतलब आपका सफरिंग जो है, आपकी तकलीफ जो है, जब खत्म हो जाती है तो आपका एनलाइटनमेंट हो जाएगा। तो आइडेंटिटी जो है, ईगो जो है, वो आपको सफरिंग देता है। और वो यदि हम अलग कर सके, देख सके अपने आप को कि भाई मेरा ये ईगो है, ये मेरा माइंड है, और आप उसको समझ सके, तो आपके सफरिंग जो है ख़त्म हो जाएंगे, आपका डिप्रेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। आइडिया नंबर 3 जो है वो है, बीइंग प्रेजेंट इज द वे ऑफ एनलाइटनमेंट, और बीइंग प्रेजेंट टू द वे ऑफ एनलाइटनमेंट। मतलब आप जब आपके ईगो से आपको अलग कर लेते हैं तो आपको ये समझ जाता है कि आप है कौन, आप है कौन, आपने क्यों जन्म लिया, आपका अस्तित्व जो है ये दुनिया में है काय के लिए। क्योंकि हमारा जो सफरिंग है वो सफरिंग पास की चिंता है, मतलब पास के बारे में निराशा और फ्यूचर के बारे में चिंता उसके वजह से है। और वो यदि हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं और राइट नाउ रहते तो फिर हमको सफरिंग ही नहीं है। आप कल्पना करो कि एक मशीन है मेरे पास में, और वो मशीन से समझो एक मिनट के लिए आपके दिमाग में पूरे विचार निकाल दिए कंप्लीटली, और आपका दिमाग पूरा ब्लैंक कर दिए, तो फिर आपको क्या दिखेगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको जो भी सामने आ रहा है वो पहली बार आ रहा है,
आप ऐसा जीओगे कि जो भी दिख रहा है वो पहली बार देख रहा है, तो आप उसको कुछ अर्थ लगाएंगे नहीं, कुछ जजमेंट लगाएंगे नहीं, कोई मीनिंग लगाएंगे नहीं, कुछ भी करेंगे नहीं। जो भी हो रहा है उसको देखेंगे, उसको अनुभव लेंगे। फिर अभी मशीन से मैंने पूरा ये विचार निकाल देना, उसके बजाय क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक मिनट के लिए नहीं, मैं हर पल पल मोमेंट टू मोमेंट ऐसी मशीनरी मैं लगा सकता हूँ अपने आप सेल्फ कंट्रोल से, कि मैं बार बार ये जो है ना विचार ये पूरे निकाल दूँ और सिर्फ अभी जो हो रहा है उसको देखो, उसका अनुभव लूँ। फिर क्या होगा, जो भी लोग आ रहे हैं मेरे सामने वो पहली बार आ रहे हैं, जो भी वातावरण में हो रहा हो पहली बार हो रहा है, कि मेरे को कोई पास्ट ही नहीं है, कोई अतीत नहीं है, उसके बारे में कोई मैंने कुछ कहानी बनाऊंगा नहीं, उसको कोई अर्थ लगाऊंगा नहीं, जो भी हो रहा है उसको मैं उसका अनुभव कर लूँगा। तो ऐसी मशीनरी जब मैं लगाऊंगा मेरे में, खुद में सेल्फ कंट्रोल से, तो फिर क्या मैं कुछ भी कर सकता हूँ जीवन, मतलब जो भी हो रहा है उसको मैं कुछ भी देख सकता हूँ, किसी भी तरह देख सकता हूँ, बिना कोई जजमेंट का, बिना कोई मतलब लगाते हुए, और मैं उसका अनुभव लेके अच्छा आनंदी जीवन मैं जी सकता हूँ। तो ये सेल्फ कंट्रोल मुझे मेरा आना चाहिए। वो जो थॉट्स है, वो जो फ्यूचर है और वो जो पास्ट है, उसके बारे में मेरा सेल्फ कंट्रोल यदि आ गया तो डिप्रेशन का कोई कारण ही नहीं, कोई डिप्रेस होगा ही नहीं। क्योंकि डिप्रेशन क्यों होते हैं, डिप्रेशन होते हैं कि भाई सोचो सोचो सोचो, थिंक थिंक थिंक, उसका अनुभव लो, उसका बुरा अनुभव लो, दुखी हो जाओ उससे और डिप्रेस हो जाओ। तो जब हम अतीत के बारे में या भविष्य के बारे में वो मशीन से पूरा निकाल देंगे, मोमेंट टू मोमेंट, मोमेंट टू मोमेंट, वो मशीनरी से, और वो कलाम को आ जाएगी और वो कलाम को सीखनी पड़ेगी, तो फिर हमको डिप्रेशन होगा ही नहीं। तो ये मैं यहाँ पहला पार्ट जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। आपको सेकंड पार्ट में अभी इसके जो सॉल्यूशंस है वो मैं बताऊँगा पार्ट टू में ये वीडियो के, और वो सॉल्यूशंस है आपको डेफिनेटली डिप्रेशन के ऊपर आपको मात करते आएंगे, वो हटाते आएंगा। आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करो, काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको डिप्रेशन है उनको ये शेयर करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और वहाँ जो घंटियाँ आ जाएंगी उसको भी प्रेस करो दबा, ताकि मेरे वीडियो जो है वो आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। ये मेरा वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो, और हमारा जो मकसद है मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन और व्यसन मुक्त भारत, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और सबको शक्तिशाली बनाना, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।